लगता है दिस वाज द एंड ऑफ डंब ब्लेंड. मैं इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे खास बोला नहीं है, मैं खाली कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि जो हम हमारे वीडियोस देखते हैं, रिएक्शन वीडियोस देखते हैं, समटाइम्स क्या होता है उनकी उनको लगता है कि नहीं, इन लोगों ने सही रिएक्ट नहीं किया इन चीज़ों पे, कि यहाँ पे वो पंच पे उनको हंसना चाहिए, वो ऐसा सोचते हैं. बट ये जो रिएक्शंस होते हैं ये हमारे होते हैं, तो जिस जैसी लाइफ हमारी होती है और जैसी सिचुएशन या हमारी सोच है, हमको वो चीज़ अच्छी लग रही नहीं लग रही, उस हिसाब से हम उस पर रिएक्ट करते हैं चीज़ों पर. तो ज़रूरी नहीं है वो सिमिलर हो और जो थॉट्स है वो सिमिलर हो. चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं, हमारे ओपिनियंस होते हैं, तो लोगों के साथ जो ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं तो वो काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, खारिज करते हैं, रिजेक्ट. हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए हमें, हमारा जो ओपिनियन है या जो है वो हमें रखने देना चाहिए. दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मैं शिल्पी. आज हम रिएक्ट करने वाले हैं राउंड टू हेल की वीडियो के ऊपर, जिसका टाइटल है डम्ब ब्लाइंड एंड डेफ पार्ट 3. लोग यूट्यूबर्स बहुत वेट करा देते हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा वेट करा दिया, फिर भी लोगों को आज भी याद है कि डम्ब ब्लाइंड डेफ का पार्ट 3 अभी बाकी है. और आते ही बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उस नोटिफिकेशन पर रिएक्शन आएगा, क्योंकि बहुत लंबा एक तो वेट हो गया इस पर. और इसकी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 थी वो बहुत ही कमाल की थी, तो अब देखना है कि पार्ट 3 में फाइनली क्या होता है. तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको लिंक मिलेगी पार्ट 1-2 की. अगर आपने नहीं देखा है तो आपने यार काफ़ी बेहतरीन चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ मिस की है. तो उन दोनों के पार्ट्स के बाद इस पार्ट से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है. शुरू करते हैं 3-2-1. भाई साहब, मैं आपका एहसान कैसे होता हूँ, पिछले 6 महीने से इन तीनों ने इस पूरे स्टेशन में हल्ला काट रखा. ऊपर वाले, मेरा लाख लाख शुक्र है. आ जाओ भी तीनों, तुम्हारी जमानत हो गई. अरे ना दरोगा साहब, हम ना जा रहे रबड़ी खाने. अबे गांडू, मर क्यों नहीं जाता तू? देख रहा भाई साहब, पिछले 6 महीने से इन्होंने ये सब कर रखा. अबे सालों बाहर आ जाओ, इन्होंने भाई साहब ने तुम्हारी जमानत करा दी. ना दरोगा साहब, मैं बाहर रहूंगा. अब तो इस धर्मशाला में मन लगने लगा है. धर्मशाला देख रहा भाई साहब, ऐसे नहीं हमने. अरे गोली कौन मारता है? कैमरे का एंगल देखी. ऊपर से बीबी जी. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी जमानत करवाई. नाजी, पैरों में पड़ जाओ, तो माफी मांगे कि कहीं आए. मैं सुतरी के जमानत कराई है इन्होंने अपनी. क्या क्या कराई है? इनकी गांड मारने के लिए आए. सुतरी के तू बे, बस इनकी गांड मारेगा तू? साले ऐसा थप्पड़ मारूंगा गांड पे, आने वाली 7 पुस्तों की गांड में दर्द होगा. मुझे नहीं करानी. कैंसल. मुझे करानी जमानत. क्या ऐसे कैसे नहीं करानी जमानत? मेरे पैसे मुझे वापस करो. तुम्हें और ही जमानत और साथ ही अबोर्ड भी मिला है. पसीने ले जाओ तुम यहाँ से. यार काम भी तो यही कर सकते हैं. हाँ ले जा ले जा ले जा. तुम्हें याद है एक बार इंटरव्यू लिया था तुम्हारा? हाँ जी सर, याद है. चाय पे वही जो खुले गार्डन में लिया. हाँ, इस बार अंधेरे में ले रहे हो. तीनों का तीनों कान खोल के सुन लो. अब मैं तुम्हें एक काम देने वाला हूँ. अब मैं तुम्हें काम देने वाला हूँ. पहले हम लेंगे. बहुत सही मारा सर सुतरी के. मेरा ही बेरा दिखे है. एक मैं भी रखूं साले के.
बेइज्जती कराता रहेगा। ना ना जी, बिल्कुल गलत कह रही आप। अबे असली मजा तई सही है जलेबी का। किसको लटकाना है सर? मेरा आदमी तुम्हें उसकी फोटो दे देगा बाहर। अंधा लेगा फोटो? ये लो फोटो, और तीनों ध्यान से देख लो इसे। अरे भाई साहब, मैंने देख लिया, तीनों ने देख लिया। अच्छा, तीनों ने देख लिया। हीरा काट रही हो? उल्टे ले बॉस को। सॉरी बॉस, रम्मी खेलना एमपीएल पे। अबे साले, रम्मी खेलने का मजा असली जिंदगी में है, फोन में नहीं। अरे बॉस, इसमें मजे के साथ साथ पैसा भी है, और तो और 1,00,000 तक जीत सकते हो। 1,00,000 रुपए? औकात है बैंक चो? है औकात तेरी 1,00,000 की बात करने की? औकात देखेगी मेरी महबूबा। क्या बात कर रहा? अरे वो जितनी सैलरी तुम मुझे देते हो ना, इससे ज्यादा मैं रमी गेम खेल के कमा लेता हूँ, और तो और 100 रुपए का बोनस कैश मिलता है, जिससे कि तुम इंस्टेंट यूज करके पैसे कमा सकते हो। रिस्की होगा, सबसे ज्यादा सेफ है। क्यों? है ना एमपीएल बढ़िया है? अबे हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया है, अभी डाउनलोड करता हूँ। पहले ये बता, फोटो दे दिया उन्होंने? जी बॉस। अबे ये फोटो तो दे दिया उसने, लेकिन ये आदमी कहाँ मिलेगा? और सीधा बोले कुरकुरे से ज्यादा टेढ़ा है इसका। सुतरी के हमेशा अलग ही बोलता है। अरे बैंक चोर ने पूरी तो ब्लैक एंड व्हाइट दिया। बैक कान है बे, बंदा है क्या? बंदा किसे कह रिया बे? साले चील की निगाह मेरी। अच्छा, ये साला अभी साथ देखो ढूंढा, पता ना कहाँ चला गया। अबे वसीम ढूंढी से। फोटो वाला आदमी मिल गया, फोटोग्राफर ने साले ने कद्दू का फोटोग्राफर है। इतना अंधेरा क्यों है, लाइट क्यों नहीं लगाई गार्डन में? डीएसएलआर ही लूंगा अपना किसी दिन। फोटो का बहन के लोग अकेले चलेगा फोटो खिंचवाने? ये भी ना सिखवा का है तो मुझे सुन पाएगा तेरी के। चुप वसीम, लटकाइए उसे। बात से कॉल लगा। आयो, हेलो, आयो, हेलो, किसे लगा दिया? हेलो, हाँ हेलो, हेलो। अबे पैर ही बोल रही हूँ। भाई ना आई, भाई साहब नेटवर्क खराब है क्या? अबे बोल रही है पैर अच्छे को बोल। हेलो, बस ही बोल ले। हेलो, काम हो गया भाई साहब, आ जाओ। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही लोड काम दिया। 1 घंटे में जो काम कर दिया, कहाँ निपटा है? ये लटको हुआ तो है। हाँ बोले। अबे सालो, ये किसको लटका दिया? अरे यही तो है फोटो वाला आदमी। अबे सालो, फोटो तो देख लिया करो, ये किसको लटका दिया? और सालो लटकाना नहीं था,
मारना। और दीवारों के भी कान होते हैं। वाह क्या शेर सुना है। बेरे ने शेर सुना है। बताओ दीवारों तक के कान है पर इस भौंसले इसके नहीं है। अच्छा हम भी एक शेर सुना मैं। कि निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड। अच्छा निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड और तू बहन के लोड़े ले ले मेरा ना। एक बार फोटो और दिखा देना। अरे उसको क्यों दिखा रहे हो मुझे। और ये एचडी में तीनों देख लो ध्यान से और इस आदमी को मानना है ध्यान से। भाई साहब मैंने देख लिया फोटो मतलब तीनों ने देख लिया। अरे यार तूने कहाँ देखा। ठीक है फिर से वही जान से मानना फोटो वाले इंसान को। आओ काम निपटा में। पर देख तो लो यार फोटो किसका है। अबे मुझे नहीं पता पकड़ कर लाओ ने। भाई साहब तो भाई साहब इस आदमी को देखा कहीं। अरे दरोगा साहब आप यहाँ कैसे। चलान काट रहा हूँ मैं तो। अरे दरोगा साहब इस आदमी को देखा हो तो बता दो। देखा क्या 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 काम है इससे। बहुत जरूरी काम है दरोगा साहब बस बता नहीं सकता मैं। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने देखा लाओ फोटो दो ले। किसका दे दिया। किसका दिया। वसीम भूख लग रही है कुछ खाने का दिया। पैसे ना है। तुम पर्स कहाँ गया। ओए 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 चोरी हो गया। चोरी कब। जब तेरा ध्यान नहीं था तब। चल गया तो देख खाने का। मैं भाई साहब क्या हो गया। मौत होगी किसी की। भाई साहब क्या मौत होगी किसी की। क्या हो गया मौत होगी किसी की। भाई साहब कुछ मुंह से बोलो। अरे पर नाच के बताओ मौत होगी किसी की। वसीम अबे बेटे हो गया खाने का इंतजाम। कहाँ। वहाँ पर बारात निकल रही है बस हमें नाचना आए। वाह वहाँ जाके नाचेंगे क्या। ऐसा नहीं है खुद अपनी आंखों से देखता हूँ ना। मैं हमारे घर पर ना है टीवी के लिए। अरे भाई साहब किसकी बारात निकल ली। मेरे अब्बा की बारात निकली। आजा शामिल हो जा। पूछो क्या हुआ। मैं क्या हुआ। बिल्कुल सही कह रही है वसीम किसी के अब्बा की बारात निकल ली है। तुरंत खाने पे टूट पड़ो। क्या हुआ वसीम। ये कैसी बारात है। अबे यही तो बारात है नया ड्रेस कोड है स्टाइल। दूल्हा सोता हुआ क्यों लगिया। अभी सोदा जभी तो रात पर बारात तो रात की है। ये ना नाचे यार लास्ट पर निकल जाएगा। स्वागत हो गया तुम्हारा। ऐसे कौन स्वागत करता है वसीम बरातियों का। फोटो किसका है।
भाई ये फोटो उस आदमी का जिसे मारना था और ना मर्सिडीज डीजल में ना थी तरीके समझा वसीम ने वही आदमी है वैसे तो भाई मार देता ऑफिस में क्यों उसमें वो था ना लेख में ना लूंगी याद है मुझे देखने पड़ेंगे पार्ट वन टू मुझे उसका वो सीन याद आ रहा है या वो भोपू में जो चिल्लाता है लाइक पार्ट थ्री देखते देखते मुझे देखने के बाद मुझे वन और टू रिकलेक्ट हो गए और उसका वो सीन आज भी याद आ रहा है लेख में ना लूंगी या वो भोपू में चिल्लाता है पर डेव को तभी सुनाई नहीं देता याद आया इस पार्ट का जो था पार्ट पहले वाले पार्ट से कंटिन्यू था जो एक मीडिया वाला होता है जो इनका इंटरव्यू लेता है पार्ट टू में आई थिंक पार्ट ऑनेस्टली पार्ट वन और टू बेटर थे उसमें भी पार्ट वन जिसमें वो बोलता है ना लेखित में ना लूंगी वो वाला बहुत आज भी याद आ रहा है पहले में मुझे सार्कास्टिक थिंग ये क्या लगी भाई किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है और उसको लेके बेचारे भाग रहे हैं उसके सामने नाच रहे हैं मतलब ये तो ये मतलब यार ये ज़्यादा हो गया वो बेचारे रो रहे हैं और ये उधर नाच रहे हैं आई थिंक कंपैरेटिवली उन पार्ट से ये छोटा था वन एंड टू पार्ट उसमें भी पार्ट वन ज़्यादा हिलेरियस था इसमें मैं तो थोड़ा भय लग रहा था क्योंकि सीन ऐसे था कि किसी की मृत्यु हो गई और वहाँ पे जाके ये अब कॉमेडी कर रहे हैं तो मैं कब बाप रे अब ये यहाँ पे क्या कॉमेडी करने वाले हैं तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अ लिटिल टेकन बैक कांप क्यों रहे कांप का ना कांप रहा है नहीं शेक कर रहा है हिला रहा हूँ पाँव क्यों ठीक है हाँ बोल तुझे कैसा लगा
आइसन लागियो तू बोल खत्म कर मैं कुछ नहीं बोलने वाला नर्वस क्यों हो रहा है तू बोल जल्दी खत्म कर मेरे को जाना है Nevertheless, round to hell is always with the something creative और उनका अपना जो style होता है especially इस dumb, blind, deaf में कि photo भी दिया तो जाके अंधे को देंगे बोलेंगे भी तो जाके बहरे को बोलेंगे और इन तीनों का वो जो combination वाला जोड़ी part series में चल रहा है in these three parts वो एक बहुत कमाल की चीज़ रहती है लगी और आई थिंक इसके बाद अब इसका कोई पार्ट नहीं आएगा क्योंकि दिस वॉज द एंड ऑफ हम कुछ बोल नहीं सकते मे बी फिर से एक इसी सीरीज में एक पार्ट 4 आ जाए वैसे इस पार्ट को काफ़ी टाइम लग गया मुझे लगता है दिस वॉज द एंड ऑफ डम्ब ब्लाइंड मैं इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे खास बोला नहीं है मैं खाली कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि जो हम हमारे वीडियोज़ देखते हैं रिएक्शन वीडियोज़ देखते हैं समटाइम्स क्या होता है उनकी उनको लगता है कि नहीं इन लोगों ने सही रिएक्ट नहीं किया इन चीज़ों पर कि यहाँ पे वो पंच पे उनको हंसना चाहिए वो ऐसा सोचते हैं बट ये जो रिएक्शंस होते हैं ये हमारे होते हैं तो जिस जैसी लाइफ हमारी होती है और जैसी सिचुएशन या हमारी सोच है हमको वो चीज़ अच्छी लग रही नहीं लग रही उस हिसाब से हम उस पर रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे तो ज़रूरी नहीं है वो सिमिलर हो और जो थॉट्स है वो सिमिलर हो चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं हमारे ओपिनियंस होते हैं तो लोगों के साथ जो ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं तो वो काफ़ी क्या बोलते हैं उसको कहते हैं खारिज करते हैं रिजेक्ट हाँ तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रीडम देनी चाहिए हमें हमारा जो ओपिनियन है या जो है वो हमें रखने देना चाहिए क्योंकि इतना डिस है क्योंकि ओपिनियन सबका देखो अलग अलग होता है एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियंस तो ये रिएक्शन में ये सिर्फ देने वाले का यूट्यूबर्स का वो अपना रिएक्शन है अपना ओपिनियन है सामने वाला डिफर करता है हम सामने वाले के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले को भी दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए बिकॉज ओपिनियंस तो डिफर कर सकते हैं लाइक ना पूरी दुनिया का एक ही ओपिनियन नहीं हो सकता Nevertheless, Round to Hell is always has something hilarious with them and मैं और वेट करूँगी इसका पार्ट नहीं तो फिर किसी और चीज़ का और कोई सीरीज़ का पार्ट हम काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं जिन क्रिएटर्स की हम काफ़ी कम वीडियोज़ बनाते हैं अगर बनाते भी हैं तो इट्स रिस्पेक्ट टू देम कि हम उन पर वीडियोज़ बनाते हैं पहले हम काफ़ी वीडियोज़ बनाया करते थे अभी हमने काफ़ी सिलेक्टेड यूट्यूबर्स पे कर दिया है और जैसे कि हमने पहले कुछ वीडियोस में बोला था कि हम डेली वीडियोस बनाएंगे तो अब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हमारे बारे में न्यूज़ ज़्यादा पता चले और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए क्योंकि तैयारी हो रही है Q&A की और वो आएगा 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो Make it subscribe. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.